देखिए जबीरन में पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर है, जश्न का माहौल है। हम सबको बहुत खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ के बीच की प्राची, जिसमें इतनी अंदर इतनी प्रतिभा है, इतना हुनर है, वो मेडल जीत के आई है। और आगे भी बहुत उम्मीद करते हैं कि इसका घर भर जाएगा मेडल से, प्लाक से, ट्रॉफियों से। 24 को लेकर सब गठबंधन बना, लेकिन कहीं ना कहीं गठबंधन में कुछ कुछ देखो, आज कोई गठबंधन राजनीति की बात नहीं है। पार्टी ने ऑर्गेनाइज किया है सम्मान समारोह, ये हमारा दायित्व था, ये सामाजिक काम है। सर, राजस्थान चुनाव को लेकर क्या प्लान है? उम्मीद है कि अगले दो दिन में घोषित हो जाएगा। कांग्रेस के साथ हमारे तालमेल रहने की हमें उम्मीद है। आजम खां को देखने जाएंगे। देखिए, हम उम्मीद करते हैं वो स्वस्थ रहें, जल्दी स्वस्थ रहें, बात करें। कांग्रेस के एक नेता का आज बयान आया है आचार्य जी का, वो कह रहे हैं कि बसपा के बिना मोदी को हराना मुश्किल है। उस पर प्रमोद आचार्य जी की बात पे मैं क्या नहीं कह सकता। जितने लोग आएंगे, जो सामाजिक शक्तियां वो आएं, मदद करें इंडिया को, तो उससे फायदा मिलेगा। अभी जैसे आज सिर्फ प्राची की बात रखो, आगे और कैसे पदक जीतोगे? नहीं, आप जो है लीडर हैं, लोकदल के लीडर हैं, और लोकदल की जो है आप मेजबानी करते हैं, तो ये बताएं कि ये अभी जैसे 3-4 सीटों के लिए जो झगड़ा हुआ, उस चीज़ को लेके किस तरह देखते हैं आप? कौन सी सीटों के लिए झगड़ा हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। नहीं, देखो थोड़ी बहुत कुश्ती होती रहती है राजनीति में, होती रहनी चाहिए। यही लोकतंत्र है, किसी एक के उससे नहीं चलेगा, सबको समन्वय बना के काम करना होगा। थैंक यू।